हाँ जी, तो वेलकम टू एबीसी एक्सपेरिमेंट्स। सो गाइस, आज हम फिर से करने जा रहे हैं ब्लीच के साथ एक्सपेरिमेंट। इससे पहले मैंने ब्लीच के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ब्लीच को जो है मैंने कोका कोला के अंदर मिलाया था और जो है कोका कोला का रंग उड़ गया था। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ ब्लीच का काम क्या होता है। गाइस, ब्लीच को जो है हम वाइट कपड़ों में यूज़ करते हैं शाइन लाने के लिए। अगर हम ब्लीच को जो है कलरफुल कपड़ों में डाल दें तो ब्लीच जो है कलरफुल कपड़ों का रंग उड़ा देता है। तो आज हम फिर से ही कलर उड़ाने का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो आज है मेरे पास गाइस वाइट बोर्ड मार्कर इंक। जी हाँ दोस्तों, ये है इंक जिसको हम मार्कर में डालते हैं, अपने जो सीडी मार्कर होता है उसके अंदर डालते हैं। अब देखते हैं कि ब्लीच जो होता है इसका कलर उड़ा पाता है नहीं उड़ा पाता है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही साइंस है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। तो गाइस, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें व्हाइट बोर्ड इंक, ब्लीच जो हमारा कपड़े धोने का रिन का ये ब्लीच है, कांच का गिलास और थोड़ा सा पानी। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इस गिलास के अंदर जो है पानी को खाली कर लेते हैं। इतना सा गाइस, मैंने इसके अंदर पानी खाली कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम इंक को। तो गाइस, ये निकाल लिया मैंने इंक। इंक शायद से अंदर से बंद है, तो इसको सबसे पहले हम खोलने की कोशिश खोल देते हैं। तो गाइस, मैं इंक के ऊपर जो है छेद कर चुका हूं। अब इंक जो है इस पानी के अंदर डालते हैं। आप देख सकते हैं इंक जो है पानी के अंदर नहीं मिली है। ध्यान से देखिए, इंक जो है पानी के अंदर नहीं मिली है। इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। गाइस, मैंने खूब सारी जो है इसके अंदर इंक डाल दी है अंदर। अब इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। ये है मेरे पास पेन, इससे मिलाते हैं। गाइस, ये देखिए, ये पानी देखिए कैसा हो चुका है, ब्लैक, बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका है पानी। अब इसमें डालेंगे हम ब्लीच को। तो इनको साइड करते हैं हम ब्लीच को। अब थोड़ी देर वेट करते हैं गाइस कि कितनी देर में इसका कलर निकलता है। वेट करते हैं थोड़ी देर। सो गाइस, इसको रखे हुए हमें 10 से 20 मिनट हो चुके हैं अभी तक। 20 मिनट करीबन हो चुके हैं अभी तक और इसका कलर जो है नहीं उड़ा है जैसा पहले था। हल्का सा लाइट जरूर हुआ है इसका कलर, मैं कह सकता हूँ इसका कलर जो है हल्का सा लाइट हुआ है। लेकिन जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो आप देखिए इसके ऊपर। यहाँ देखिए इंक के पार्टिकल्स, देखिए कैसे हैं ऊपर गाइस, इंक कैसी होती है। ब्लीच डालते ही इंक का हाल देखिए आप, ऐसा इंक का हाल होता है। और ब्लीच इतना ठंडा है, मेरा हाथ एकदम से ठंडा हो चुका है, पानी के साथ मिला हुआ है, फिर भी एकदम शैम्पू जैसा है, एकदम चिकना हाथ हो चुका है। तो कलर तो इसका उड़ा नहीं, मतलब कि ब्लीच जो है इनका कलर नहीं उड़ाता। तो एक और तरीके से हम चेक करने की कोशिश करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज, ये है मेरे पास नॉर्मल प्लेट। अब इसके अंदर, इसके ऊपर डालेंगे गाइज हम सबसे पहले ये वाइट बोर्ड की जो हमारी इंक थी इसको डालेंगे। लेकिन गाइज इतनी इंक काफी होगी। तो इतनी इंक डालने के बाद गाइज, अब इसके अंदर डालेंगे हम रिन को। तो रिंग डालते हैं इसके अंदर। सो गाइस, ये देख सकते हैं, ध्यान से इधर देखिए इंक कैसे देखिए सेपरेट हो चुकी है। गाइस, ये देख सकते हैं इंक के पार्टिकल्स देखिए कैसे फटे हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं इंक के पार्टिकल्स कैसे फट रहे हैं।
तो गाइज ये देख सकते हैं आप इंक कैसे जैसे सेपरेट हो चुकी है थोड़ा सा। यहाँ पे जो ये बची हुई है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा वो डालते हैं। तो गाइज आप ये देखिए, मतलब कि ब्लीच जो है इंक का कलर उड़ाता तो है लेकिन इंक को ऐसा कर देता है कि इंक बेहाल हो जाती है, मतलब मरने से भी खतरनाक। जैसे हम अदमरा कहते हैं वैसी इंक हो चुकी है इस टाइम, ये अदमरा ही हो चुकी है इंक। ध्यान से देखिए, ये देखिए भाई, ये इंक पूरी देखिए कैसी हो चुकी है। इसको हाथ में देखिए गाइस, बहुत डंट ठंडा भी चाहिए। देखिए गाइस इंक देख सकते हैं आप, जैसे इंक देखिए आपने कैसी हो गई, एकदम से रबड़ जैसी हो गई है अभी इंक। देखिए ये इंक वही है जो मेरे हाथ पे चिपकी थी, और ये वाली वो है जो मैंने ब्लीच के अंदर डाली है। अब यह नहीं है कि मैं इसको हाथ पे चिपका सकूँ या कुछ हो सकता है, या हाथ पे लग सकता। तो गाइस देखा आपने, हमने ब्लीच को और इंक को जब साथ में मिलाया तो ब्लीच ने जो है इंक का कलर नहीं उड़ाया, आपने ध्यान देख लिया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे बताओ कि मैं और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट दिखा सकता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय एंड जय।